सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रियलमी वर्सेस रियलमी के बीच में फाइट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियलमी P1 Pro 5G वर्सेस रियलमी 12 Pro 5G के बीच में डिटेल में कंपैरिजन। क्योंकि दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों ने मुझे बार बार कमेंट किया था कि दोनों स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन कीजिए, तो चलिए दोस्तों साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि डिस्प्ले टेस्ट, कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट एवं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे एंड रैम मैनेजमेंट को भी टेस्ट आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही रियलमी के 2024 के सबसे बेस्ट एंड धमाकेदार स्मार्टफोन रियलमी P1 Pro एंड रियलमी 12 Pro 5G। चलिए दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में डिटेल में कंपैरिजन करेंगे एंड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले कैमरा से। वैसे देखा जाए तो दोनों भी स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का OIS का कैमरा मिल जाता है। P1 Pro DS में ड्यूल कैमरा एंड 12 Pro DS में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है। वैसे P1 Pro DS में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है एंड 12 Pro DS में 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस मिल जाता है। सेंसर के बारे में बात करेंगे तो P1 Pro DS में सोनी LYT 600 का सेंसर मिल जाता है एंड 12 Pro DS में सोनी IMX882 का सेंसर मिल जाता है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करेंगे, वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों कैमरा सैंपल्स के बारे में बात करेंगे तो पर्सनली मुझे दोनों भी फोन की जो कैमरा क्वालिटी काफी ज्यादा बेटर लगी है। सेल्फी कैमरा में दोनों भी स्मार्टफोन काफी बेटर रिजल्ट देते हैं। वैसे रियर कैमरा के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन की जो रिजल्ट है काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। बट हाँ, रियलमी 12 Pro DS में टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस मिल जाता है, जिसके कारण पोर्ट्रेट मोड में 2x मोड का जूमिंग सपोर्ट मिल जाता है। सो 2x मोड के जो भी सैंपल से काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। पोर्ट्रेट सैंपल मुझे 12 Pro DS में काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। कलर्स के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में यहाँ पे काफी बेटर कलर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे 12 Pro DS में थोड़े से एनहांस टाइप के कलर देखने को मिल जाते हैं एंड 12 Pro DS में डेडिकेटेड मून मोड मिल जाता है, बट P1 Pro DS में कोई भी ऐसा मून मोड देखने को नहीं मिलेगा। बाकी दोस्तों डायनेमिक रेंज के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में काफी बेटर डायनेमिक रेंज मिल जाती है एंड पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो OIS के वजह से काफी बेटर पिक्सल क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों वीडियोग्राफी के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में 4K@30fps का सपोर्ट मिल जाता है एंड साथ ही साथ दोनों भी स्मार्टफोन में वीडियो स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन से मैंने सेम लोकेशन से रिकॉर्डिंग करके रखा है। सो आपको कौन सी फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग सबसे बेटर लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन की डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो P1 Pro DS में 2D पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल मिल जाता है, जो कि स्टाइलिश यहाँ पे ब्रश टाइप का डिजाइन मिल जाता है एंड रियलमी 12 Pro DS में स्टाइलिश आपको वेगन लेदर डिजाइन मिल जाता है, वो भी आपको रोलेक्स वॉच या पे इंस्पायर डिजाइन भी मिल जाता है। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन के साइड की फ्रेम के बारे में बात करेंगे तो 3D कर्व डिजाइन देखने को मिल जाता है एंड राइट साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में पावर बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है एंड थैंकफुली दोनों भी स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का भी फीचर मिल जाता है। एंड इसके अलावा दोस्तों बॉटम साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में प्राइमरी स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाता है एंड हाइब्रिड सिम का ट्रे मिल जाता है। वैसे टॉप साइड के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिल जाता है एंड सेकेंडरी स्टीरियो स्पीकर दोनों भी स्मार्टफोन में मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे तो सेम टू सेम डिस्प्ले आपको मिल जाता है, 6.7 इंचेस का 3D विजन कर्व डिस्प्ले मिल जाता है। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में OLED पैनल देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद दोस्तों रिफ्रेश रेट के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का स्मूथ अडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है एंड इसके अलावा दोस्तों दोनों भी फोन में वाइड वाइन L1 का सपोर्ट मिल जाता है। सो Amazon प्राइम नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट है फुल HD+ में वॉच कर सकते हैं एंड इसके अलावा दोस्तों YouTube HDR क्वालिटी सपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में 4K@HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि 2160 पिक्सल में दोनों भी फोन में YouTube की वीडियोस प्ले कर सकते हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में यार काफी जबरदस्त एंड ब्रिलियंट क्वालिटी का डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि वैसे भी दोनों भी स्मार्टफोन में प्रो AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है, क्योंकि जो कलर है काफी जबरदस्त आपको वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाते हैं, एनहांस टाइप के बूस्टेड पंची टाइप के कलर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोनों भी फोन में HDR 10+ का सपोर्ट मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है दोनों भी स्मार्टफोन में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। सो P1 Pro DS जो कि अंडर 20,000 के कैटेगरी में काफी बेटर आपको प्रीमियम डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, वही 12 Pro DS में काफी बेटर हमको कर्व डिस्प्ले भी मिल जाते हैं। सो डिस्प्ले के बारे में कोई भी शिकायत आपको दोनों भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी।
एंड इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन के पावर के बारे में बात की जाए तो दोनों भी स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 का प्रोसेसर मिल जाता है। एंड टू डे बेंचमार्क स्कोर के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी स्मार्टफोन में 5.5 लाख से भी ज्यादा यहाँ पे एंड टू डे बेंचमार्क स्कोर भी देखने को मिल जाता है, मतलब की परफॉर्मेंस दोनों भी स्मार्टफोन में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों बीजीएमआई गेमिंग ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे तो P1 Pro एंड 12 Pro डिवाइस में स्मूथ से लेकर बैलेंस HDR तक आपको कॉन्स्टेंटली एक्सट्रीम ग्राफिक्स मतलब की कॉन्स्टेंटली FPS का सपोर्ट मिल जाता है, प्लस आपको 4K स्क्रीन का भी सपोर्ट मिल जाता है मतलब कि अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट मिल जाता है। वैसे गेम प्ले के बारे में बात करेंगे तो कहीं भी ज्यादा शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं भी ज्यादा लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, कहीं भी ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एंड थैंकफुली दोनों भी स्मार्टफोन के जो जायरोस्कोप है वो काफी बेटर देखने को मिल जाता है। हीटिंग के बारे में बात करेंगे तो कहीं भी ज्यादा यहाँ पे हीटिंग का भी इश्यूज आपको दोनों भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद दोस्तों दोनों भी स्मार्टफोन के बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे तो सेम टू सेम बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। P1 Pro डिवाइस में 45 वाट की वॉक चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है एंड 12 Pro डिवाइस में 67 वाट की सुपर फास्ट वॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बहुत हो गया फिजिकल कंपैरिजन, अब दोस्तों एक्चुअल में दोनों भी स्मार्टफोन के बीच में फाइट लगाने वाले हैं मतलब कि स्पीड टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्पीड टेस्टिंग का सेटअप रेडी कर देते हैं एंड स्पीड टेस्टिंग की शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिबूट टेस्टिंग से। तो हम क्या करेंगे, दोनों भी स्मार्टफोन को सेम टाइमिंग पे रिबूट करेंगे एंड देखते हैं कि कौन सा फोन सबसे पहले यहाँ पे रिबूट हो जाता है। तो चलिए 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि रिबूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे जो बूटअप लोगो है सबसे पहले रियलमी P1 Pro डिवाइस का आ चुका था एंड उसके बाद 12 Pro डिवाइस का देखने को मिल चुका है। एंड यहाँ पे जो बूटअप एनिमेशन है वो भी हमको यहाँ पे P1 Pro डिवाइस का देखने को मिला था एंड फाइनली यहाँ पे P1 Pro डिवाइस सक्सेसफुली सबसे पहले रिबूट हो चुका है। एंड इसके बाद काफी समय के बाद रियलमी 12 Pro 5G डिवाइस भी यहाँ पे सक्सेसफुली रिबूट हो चुका है। रिबूट टेस्टिंग में सबसे पहले बाजी मार ली है रियलमी P1 Pro 5G डिवाइस ने। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों भी स्मार्टफोन में एक वीडियो रेंडर करके देखते हैं मतलब कि वीडियो को एक्सपोर्ट करके देखते हैं। तो दोनों भी फोन में मैंने सेम टू सेम काइनेमास्टर का वर्जन इंस्टॉल करके रखा है। वैसे दोनों भी फोन में सेम टू सेम यहाँ पे वीडियो का लेंस सेट करके रखा है। एंड वीडियो आउटपुट रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में 4K 60fps का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोनों भी फोन में सेम टू सेम यहाँ पे रेजोल्यूशन को सेट करेंगे एंड वीडियो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वैसे भी एक्सपोर्ट होने में टाइम लगता है। तो चलिए फाइनल रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले Realme P1 Pro डिवाइस में वीडियो सक्सेसफुल एक्सपोर्ट हो गया था एंड उसके बाद क्विकली यहाँ पे Realme 12 Pro डिवाइस में भी वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। ज्यादा कुछ खास बड़ा डिफरेंस तो देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो एडिटिंग करने के लिए मेरे हिसाब से दोनों भी स्मार्टफोन काफी बेटर चॉइस है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों भी फोन में एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्पीड को टेस्ट करेंगे। वैसे दोनों भी स्मार्टफोन में मैंने सेम टू सेम यहाँ पे वाईफाई का इंटरनेट कनेक्शन सेट करके रखा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फोन में सबसे क्विकली एंड फास्ट एप्लीकेशन लॉन्च हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे गैलरी ऐप से। तो यहाँ पे जो गैलरी ऐप है दोनों भी स्मार्टफोन में सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। थीम स्टोर को ट्राई करेंगे तो यहाँ पे जो थीम स्टोर है वो भी दोनों भी फोन में सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम भी यहाँ पे दोनों भी फोन में काफी क्विकली लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे फेसबुक, तो अगेन यहाँ पे जो फेसबुक है वो भी सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे ट्विटर, सो वैसे देखा जाए तो ट्विटर भी दोनों भी फोन में काफी सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सो डिज्नी का भी ऐप दोनों भी फोन में काफी सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। एंड फ्लिपकार्ट के बारे में बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट भी यार दोनों भी फोन में सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो चुका है। Amazon के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट P1 Pro डेज में यहाँ पे Amazon लॉन्च हो गया था। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे ब्राउजर, सो यहाँ पे अगेन ब्राउजर P1 Pro डेज में थोड़ा सा जल्दी लॉन्च हो गया था। एंड इसके बाद ट्राई करेंगे YouTube, वैसे YouTube दोनों भी फोन में काफ़ी सेम टाइमिंग पे लॉन्च हो गया था। एंड प्ले स्टोर के बारे में बात करेंगे तो P1 Pro डेज में थोड़ा सा जल्दी क्विकली लॉन्च हो गया था। एंड इसके बाद एक छोटा सा गेम को लॉन्च करके देखेंगे जिसका नाम है हिल क्लाइंब रेसिंग। तो चलिए देखते हैं कि कौन से फोन में सबसे पहले यहाँ पे गेम लॉन्च हो जाता है। वैसे देखा जाए तो दोनों भी फोन में यार सेम टाइमिंग पे यहाँ पे गेम भी लॉन्च हो चुका है। तो स्पीड एंड परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे तो दोनों भी फोन में सेम टू सेम प्रोसेसर मिल जाता है एंड जो ऑप्टिमाइजेशन है दोनों भी फोन में आपको काफी बेटर देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद दोनों भी स्मार्टफोन के रैम मैनेजमेंट को टेस्ट आउट करेंगे। तो दोनों भी स्मार्टफोन में LPDDR4X टाइप का रैम सपोर्ट मिल जाता है एंड दोनों भी स्मार्टफोन में एक्सपेंडेबल रैम मतलब कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिल जाता है। तो मैंने दोनों भी फोन में यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन को ऑन करके रखा है एंड दोनों भी स्मार्टफोन में मैंने सेम टू सेम एप्लीकेशन यहाँ पे बैकग्राउंड में ओपन करके रखे है एंड कुछ एप्लीकेशन में मैंने कुछ सोशल मीडिया के जो पेजेस है वो भी ओपन करके रखे। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा फोन यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रीलोड करता है। तो चलिए सबसे पहले ट्राई करेंगे गैलरी,
रिटेलर में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसके बाद थीम स्टोर में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड इसके बाद इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, फेसबुक में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्विटर में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डिज्नी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फ्लिपकार्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड अमेजोन के बारे में बात करेंगे तो P1 Pro डेज में थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट रिफ्रेश हो गया था, एंड ब्राउजर के बारे में बात करेंगे तो अगेन P1 Pro डेज में थोड़ा सा रिफ्रेश हो चुका है, एंड यूट्यूब के बारे में बात करेंगे तो यूट्यूब में कम्प्लीटली यहाँ पे P1 Pro डिवाइस रिफ्रेश हो चुका है, प्ले स्टोर में कोई भी दिक्कत नहीं है, एंड यहाँ पे जो गेमिंग है गेमिंग में भी कोई भी प्री लोडिंग इशू देखने को नहीं मिला है। सो फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो रियलमी P1 Pro डिवाइस में बस एक दो बार यहाँ पे रैम मैनेजमेंट में रिफ्रेश का इशू देखने को मिला था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रैम मैनेजमेंट दोनों भी स्मार्टफोन में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगी, वैसे भी स्पीड एंड परफॉर्मेंस दोनों भी स्मार्टफोन में काफ़ी बेटर देखने को मिल जाता है। सो फ्रेंड्स अंडर 20,000 के कैटेगरी में परफॉर्मेंस को टारगेट करता है रियलमी P1 Pro 5G डिवाइस, एंड यस अगर आपको थोड़ा सा बेटर डिजाइन चाहिए, लेदर डिजाइन चाहिए, बेटर टेलीफोटो कैमरा चाहिए एंड थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग चाहिए, सो आपके लिए रियलमी 12 Pro 5G डिवाइस काफ़ी बेटर चॉइस है। तो दोस्तों आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे बेटर लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।